बिसम राय हाँ जी आज हम हमारे एक मेकअप ट्यूटोरियल के साथ जो कि है स्पेशली फॉर द समर ना आपकी बेस ख़राब होगी ना आपका कोई और इशू होगा ना ही आपकी जो लुक्स हैं वो डल होंगी और आपका मेकअप रहेगा ऑल ऑलरे लॉन्ग वेरी फ्रेश छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हमने फॉलो करनी है और उसके साथ हमने करनी है ये लुक क्रिएट आपने रहना है मेरे साथ टिल द एंड ऑफ द वीडियो बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फर्स्ट लेट्स स्टार्ट तो जी बिस्मिल्लाह करके रोज़ वाटर ले रही हूँ इसको मैंने अपने चेहरे पे स्प्रे कर लेना है आपने किसी किस्म का प्राइमर नहीं लगाना क्योंकि गर्मियों में रोज़ वाटर से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है ठीक है इसके बाद ये क्राइलिन की आइवरी शेड में मैं स्टिक यूज़ करूँगी लाइट लाइट से इसको आपने स्किन के ऊपर अप्लाई करना है गर्मियां हैं आपने बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं देनी ठीक है तो बहुत ही स्लाइट सा इसको आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाना है जस्ट टू मेक योर स्किन लुक क्लियर एंड ब्राइटर गर्दन पे भी थोड़ा सा लगा लीजिए उसके बाद आपने एक अदद ब्रश लेना है और आपने इसको बहुत अच्छे से मर्श कर लेना है अपनी स्किन के ऊपर आप अगर चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं हाथों से भी कर सकते हैं लेकिन ब्रश से ना बहुत ही फाइन किस्म की जो है ना ये ब्लेंडिंग होती है तो आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा अच्छा नॉर्मली होता है कि आप गर्मी में जब मेकअप करते हैं ना वो फ़ौरन से ना आपकी स्किन की बेस फट जाती है ख़राब हो जाती है तो जब आप यूज़ कर लेते हैं ना रोज़ वाटर तो आपकी बेस इंटैक्ट रहती है और फटती नहीं है और आपका जो मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है तो यही बेस मैंने थोड़ी सी आइस पर भी लगाई है इसको भी आप अच्छे से मर्श कर लें तो ये छोटी सी टिप है कि आप रोज़ वाटर यूज़ करके अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं गर्दन पर भी लगा लीजिए ताकि आपकी गर्दन काली कली ना लगे इसके बाद मैं इसरोज़ का कंसीलर यूज़ करूँगी और आपकी स्किन के जो आपके फेस के जो हाई पॉइंट्स हैं उन पे आपने इसको इस्तेमाल करना है आइज के नीचे लगा लीजिए ताकि आपके जो अगर डार्क सर्कल्स हैं या अगर कोई स्पॉट्स हैं तो वो भी आपके हाइड हो जाएं फिर इस तरह आपने अपनी चीक्स पे लगाना है चिन पर लगाएंगे थोड़ा सा नोज़ पर लगाएंगे और थोड़ा सा फोर हेड पर लगाएंगे वही ब्रश जैसे आपने अपनी बेस बनाई है बेस को सेट किया है उसी से आप इसको सेट करेंगे लेकिन आपने इसको ड्रैग नहीं करना बल्कि आपने इसको टैप टैप करके बहुत अच्छे से सेट करना है इसी तरह से यहाँ पर भी आपने डाउन स्ट्रोक्स में इसको लगाना है ये थोड़ी थोड़ी विजिबल रहनी चाहिए ठीक है ताकि आपके जो फीचर्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएँ इसको आपने बिल्कुल मर्ज नहीं करना होता तो इसके बाद बारी आती है कॉन्टोरिंग की ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी जो आपने कंसीलर से लगाई है इससे ऊपर ऊपर जो है ना आपने अपनी कॉन्टोरिंग करनी है और जो आपके स्ट्रोक्स हैं वो अपर साइड पर रहने चाहिए ठीक है और अपने फोरहेड को भी अच्छे से इस तरह से कॉन्टोर कर लें अगर बहुत ब्रॉड है तो वो थोड़ा छोटा छोटा लगेगा आपकी जो पूरा फेस की लुक है वो थोड़ी स्लिम एंड स्मार्ट से लगेगी तो जो डाउन स्ट्रोक्स हैं वो आपने अपनी चिन के नीचे नीचे डाउन स्ट्रोक्स लगाने हैं ठीक है तो इसके बाद बारी आती है इसको सेट करने की मैंने मिस रोज़ का लूज़ पाउडर लिया है और इसको आपने थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लगाना है गर्मियों की वजह से जो पसीना वगैरह है जो आपका मेकअप ख़राब होता है वो नहीं होगा तो कोशिश करें इसको आपने थोड़ा हैवी अमाउंट में लगाना है ताकि बाद में जितना आपकी स्किन ने एब्जॉर्ब करना है वो कर ले बाद में आप इसको डस्ट ऑफ़ कर लें इसके बाद बारी आती है आपके ब्लशर की कीको का जो है वो मैंने ब्लशर यूज़ किया है पिंक शेड में यूज़ कर रही हूँ तो ये जो है आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और फ्रेश लुक देता है इसके बाद बारी आ जाती है आपकी आईब्रोज़ की आईब्रोज़ को अच्छे से आपने शेप दे लेना है एक आईब्रो पेंसिल के साथ बहुत ज़्यादा आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो शार्प नहीं होने चाहिए और आप ये ब्रश लेके इसकी मदद से मैं अच्छे से उसको मर्ज कर दूँगी ब्रश के इस्तेमाल से ना ये बहुत ही अच्छा ये जो है मर्ज हो जाएगा क्योंकि आपने आईब्रोज़ को शार्प लुक नहीं देना इसके बाद बारी आ जाती है लंडन स्टूडियो पैलेट में से मैं ये डल गोल्ड कलर जो है यूज़ कर रही हूँ अपनी आंखों के लिए अपने फिंगर टिप की मदद से लगाना है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शार्प लुक नहीं चाहिए तो बहुत सॉफ्ट तरीके से आपने अपनी फिंगर के साथ जो है ये अपने जो गोल्डन कलर के आई शेड्स हैं इनको अप्लाई कर लेना है इनर कॉर्नर्स पर भी थोड़ा थोड़ा लगा लें तो आपने और इसमें कोई ट्रांजिशन शेड ऐड नहीं करना ठीक है इसके बाद एल्फ का ये केक आईलाइनर है इसको इस्तेमाल करूंगी ब्रश की मदद से आपने अपना आईलाइनर लगाना है बहुत ही हल्के हल्के स्ट्रोक्स के साथ आपने ये जो आपका वेज शेप का आईलाइनर है ना ये आपने लगाना है ठीक है तो ये अगर आप बहुत लाइट और सॉफ्ट कलर यूज़ करते हैं ना गर्मियों में तो वो आपके मेकअप को बहुत ज़्यादा अच्छी लुक देते हैं तो कोशिश करें कि नेचुरल और न्यूट्रल शेड्स की तरफ जाएँ तो इस वजह से ताकि आपकी आंखें भी ब्राइट लगें अब आपने ये हल्का सा ब्राउन शेड लेना है और एक ब्रश की मदद मतलब से आपकी जो लोअर लैश लाइन है ना उसके नीचे आपने इस शेड को अच्छे से लगा लेना है ताकि जो आपकी आईज है ना वो प्रोमिनेंट हो जाए आपने ब्लैक पेंसिल यूज़ नहीं करनी मस्कारा इस्तेमाल करी मे बी लीन का इसको आपने लगा लेना है अच्छे से और अपर लैशेस पे लगाने के बाद आपने इसको लोअर लैशेस पे भी लगाना है ठीक है तो लोअर लैशेस पे जब आप इसको अप मस्कारा अप्लाई करते हैं तो उससे आपकी आंखें बहुत ब्राइट लगती हैं तो एक आंख पे भी लगा लिया है दूसरी आंख पे लगा लिया है, बारी आती है रेवोल्यूशन का हाईलाइटर यूज करने की तो ये हाईलाइटर मेरा फेवरेट है इसको अच्छे से आप हाईलाइट कर लीजिए चीक्स पे करेंगे थोड़ा सा नोज पे करेंगे चिन पे करेंगे और इसके बाद हम लगा लेंगे रिवाज का ये लिपस्टिक ठीक है लिपस्टिक तो नहीं है बट इट्स काइंड ऑफ लाइक लिपस्टिक ये पेंसिल में लगा रही हूँ और इसकी इसी को जो है ना मैंने सिर्फ इसकी आउटलाइन बनाई है और आउटलाइन बनाने के बाद थोड़ा सा अपनी फिंगर के साथ आप इसको इस तरह से स्प्रेड कर लें या अच्छे से चैप कर लें एंड तो जनाब इस मेकअप लुक को आपने करना है ट्राई देना है अपना फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू हिट द थम्स बटन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर हूँ